ये बहुत पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। उस वक्त मेरे कुछ दोस्त ने अपने से परिवेश के जो भाई है उन लोगों के साथ पंगा कर बैठे हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से। बाय चांस उस वक्त मेरा एक भाई था उस बेस में, जिसने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया था। लेकिन उसके ही कुछ दिन बाद मेरा एक अनबन हो गई थी और एक लोग के साथ, जो बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी ही थी। लेकिन उस वक्त मेरे दोस्त लोग मुझे इग्नोर किया और वो लोग अपने ही धुन में खोए रहे थे। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, क्योंकि वो लोग अगर पर्सनली इन्वॉल्व होते तो बहुत बुरी तरह से मैं फंस भी सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। तो इसलिए मैं इग्नोर किया। और उसके ही कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त मेरी बेंच जो सीट थी उस पे आके बैठ गए, और मैंने उसको बहुत बार बोला कि दूसरी सीट पे जाके बैठ जा, ये मेरी सीट है। बहुत बुरी तरह से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो एक वक्त ऐसा आया मैं उसको बहुत बुरी तरह से मारा, तो वो उस दिन के लिए उस सीट को छोड़ के दूसरी सीट पे जाके बैठ गया। नेक्स्ट दिन सेम चीज़ हुआ, वो मेरी सीट पे आके बैठे और बहुत बुरी तरह से कॉन्वर्सेशन हुआ, मैं उसको मारा और वो वहाँ से चले गए। तीसरी दिन भी सेम चीज़ हुआ, और उसके बाद वो दोस्त मुझे इग्नोर करता था और मेरे साथ बात नहीं करता था। तो उसके कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के बाद ही वो मेरे सामने आके बैठा। वो जिसके साथ बैठा वो भी मेरा दोस्त ही था, तो वो दोनों मिलके बहुत मजाक कर रहे थे। एक वक्त ऐसा है दोनों ही सीरियस हो गए और दोनों ही दोनों से बहुत बुरी तरह से कन्वर्सेशन कर रहे थे, और उस वक्त क्लास ऑफ थी, वो टीचर नहीं आ रहे थे। तो वो क्या, एक दोस्त मुझे हायर किया था उसको मारने के लिए, और मैं उसकी बात पे राजी भी हो गई थी और मैं उस दोस्त को बहुत बुरी तरह से मारा। उसके बाद वो मेरे से कभी नहीं बात। तो कुछ साल बाद उसके साथ मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया था और मैं उससे माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, जब उसको मारा था और मैं जब घर में आए थे, वो सोच रहे थे कि मेरे जब प्रॉब्लम थी मेरे दोस्त लोगों ने मुझे इग्नोर किया और वो अपने ही धुन में खोए रहे थे, और जब वो लोग मुसीबत में पड़ रहे थे तब मैं जाके उन लोगों को हेल्प कर रहा था। ऐसा क्यों, वो लोग तो मुझे यूज़ कर रहे हैं, वो लोग अपने ही फायदे के लिए मुझे यूज़ कर रहे थे। तो मैं ऐसा देख के धीरे धीरे से उन लोगों को छोड़ दिया। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे लाइफ में ज़्यादा समय ऐसा ही दोस्त मिला है जो अपने ही बारे में सोच, तो इसलिए मैं सब लोगों को इग्नोर करता। और मैं अभी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को दोस्त बनने के लिए, क्योंकि वो सब जो है सब जुड़े हैं, मुझे सिर्फ अपने आप पे ही यकीन है। देखिए इस मौका में आके मैं ये बोलूँगा कि YouTube नॉट माई डिस्टिनेशन, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे YouTube पे सब्सक्राइबर या मुझे फेमस होना है, मेरे चैनल को ब्रांड बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और हाँ, अगर आप लोग इसको मज़े के लिए सुन रहे तो बहुत अच्छी है। देखिए अगर आप लोग मज़े के लिए सुन रहे तो ये सोचिए कि दिस एवरी वर्ड जस्ट माई इमेजिनेशन, और कुछ नहीं है, जस्ट माई इमेजिनेशन।